विप्रो, अब मैं धर्मराज और चित्रगुप्त संवाद का एक दूसरा प्रसंग कहता हूँ, आप उसे सुने। चित्रगुप्त धर्मराज से कह रहे थे, ये मनुष्य स्वर्ग में जाए, ये प्राणी वृक्ष की योनि में जन्म ले, ये पशु की योनि में जाए और इस प्राणी को मुक्त कर दिया जाए। इस व्यक्ति को उत्तम गति प्राप्त होनी चाहिए, इसे अपने पिता पिता में प्रभृति पूर्वजों से मिलना चाहिए। फिर वे दूसरे दूतों से कहने लगे, महान पराक्रमी वीरो, ये व्यक्ति सदा धर्म से विमुख रहा है, इसने साध्वी स्त्री का प्रत्याग किया है, इसके पास पुत्र पोत्र भी नहीं है, अतः इसे रौरव नरक में फेंक दो। ये सभी बड़े धर्मात्मा व्यक्ति हैं, ऐसे मानव ना हुए हैं ना होंगे ही, इनमें पाप का लेश मात्र भी नहीं है, अतः बहुत शीघ्र इन्हें यहाँ से जाने के लिए कह दो। इन व्यक्तियों ने जीवन भर किसी की निंदा नहीं की है, संपत्ति अथवा विपत्ति किसी भी स्थिति में इन्होंने संपूर्ण धर्मों का पालन किया है, अतः ये स्वर्ग में जाकर अनेक कल्पों तक वहाँ निवास करें। ये व्यक्ति पूर्व काल में परम धार्मिक पुरुष रहा है, पर यह स्त्री में अधिक आसक्त रहा, अतः कलयुग में मनुष्य की योनि प्राप्त करें, इसके बाद स्वर्ग में वास करने की सुविधा मिलेगी। ये व्यक्ति युद्ध भूमि में शत्रु को मारकर पीछे स्वयं मरा है, ब्राह्मण गौ अथवा राष्ट्र के लिए लड़ाई छिड़ी थी, उसमें इसने प्राण विसर्जन किए हैं, अतः तुम्हें विनय के साथ इससे निवेदन करना चाहिए कि ये व्यक्ति विमान पर चढ़कर इंद्र की अमरावतीपुरी में जाए और एक कल्प तक वहाँ निवास करे, उसी के समान यह भी एक धर्मात्मा पुरुष है। इस परम भाग्यशाली प्राणी ने निरंतर धर्म का पालन किया है, इसके सभी क्षण दान करने में ही व्यतीत हुए हैं, ये समस्त प्राणियों पर दया करता था, इसका गंधों और मालाओं से यथाशीघ्र सम्मान करो। इस महात्मा व्यक्ति के लिए तुम लोगों से मेरा ये आदेश है कि इसके ऊपर चवर झले जाएं और इसकी भली प्रकार से पूजा होनी चाहिए। किसी अन्य धर्मात्मा को लक्ष्य कर, ये भी एक यशस्वी पुरुष है, इससे सभी प्राणी सुख पाते रहे हैं, इसका कल्याण होना चाहिए, इसे सैकड़ों गुणों से शोभा पाने वाले इंद्र की अमरावतीपुरी भेजा जाए। ये धर्मात्मा प्राणी स्वर्ग में तब तक रहेगा जब तक वहाँ इंद्र रहेंगे, जितने समय तक इसका धर्म साथ देता रहेगा उतने काल तक स्वर्ग में आनंद भोगने का इसे सुअवसर मिले। वहाँ से समय अनुसार इसे उतरना पड़े तो मनुष्य की योनि में जन्म पाकर सुख भोगे। इसने रत्नों की बांसुरी बनवाकर दान किए हैं तथा संपूर्ण धर्मों का विधिपूर्वक पालन किया है, इसको अश्विनी कुमार के लोक में ले जाओ, क्योंकि उस लोक में सब प्रकार की सुख सामग्री सुलभ रहती है। किसी अन्य के प्रति दृष्टि डालकर, ये महान भाग्यशाली पुरुष है, ये देवादि देव सनातन श्री हरि के पास पधारे, इसकी त्यागवृत्ति असीम थी, ये सुख से दूध देने वाली गौएं दान करता था, अपनी सभी शक्तियों का उपयोग करके ये ब्राह्मणों को गौ दान देने में उत्सुक रहता था। विशेषता ये थी कि इसने परम पितृ ब्राह्मणों को बहुत सा अन्न भी दिया है। रुद्र धेनु की तुलना करने वाली वे मनोहारनी गौएं कल्प पर्यंत इसका साथ देंगी। ये पुरुष एक कल्प तक रुद्र के लोक में रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसने अनेक मधुर पदार्थ, सुगंधित वस्तुएं तथा रस दूध से परिपूर्ण संवत्सा गौ ब्राह्मणों को दी थी, जिनके सभी अंग स्वर्ण से शोभित थे। इस महान दानी पुरुष से संबंध रखने वाली पुस्तिका मैंने देखी है, उसमें लिखा है 3 करोड़ वर्षों तक ये स्वर्ग में निवास करेगा, तत्पश्चात ऋषियों के कुल में इसका जन्म होगा। फिर किसी अन्य प्राणी के विषय में बता रहे हैं कि इसने स्वर्ण का दान किया है, इसको देवताओं के पास भेज देना चाहिए। उसने आज्ञा पाकर उमापति भगवान रुद्र के लोक में ये जाए, ये निश्चय ही महान तेजस्वी जान पड़ता है, वहां जाकर अपनी इच्छा के अनुसार कामनाएं पूर्ण करें। किन्हीं अन्य प्राणियों को देखकर इन व्यक्तियों ने दान करने का नियम बना लिया था, अनेक प्रकार के प्राणी इनका अभिवादन करते थे, अतः ये स्वर्ग में जाए किसी और के प्रति कहते हैं ये परम कुशल पुरुष है, इससे जनता की आवश्यकता पूरी होती थी, सबके हित साधन में ये संलग्न रहता था,
सभी कामनाओं को पूरा करने वाला ये प्राणी सबके लिए आदर का पात्र था। इसने ब्राह्मणों को पृथ्वी दान की है। अरे स्वर्ग में जाए और वहीं बहुत दिनों तक रहे। इसके बाद अपने अनुयायियों के साथ ब्रह्मा जी के लोक में स्थान पावे। इस श्रेष्ठ मानव की अनेक प्रकार के इच्छित भोगों से सेवा होनी चाहिए। इसका स्थान अक्षय और अजर होगा। महर्षिगण इसका आदर करेंगे। फिर किसी अन्य पुरुष को देखकर ये प्राणी सभी के लिए अतिथि के रूप में यहाँ आया है। सब इंद्रियां इसके अधीन हैं। ये संपूर्ण प्राणियों पर कृपा करता था। प्रायः सभी को समान रूप से अन्नदान करने में इसकी प्रवृत्ति थी। परिवार में सब भोजन कर लेते थे तब ये अन्न ग्रहण करता था। मेरे प्रिय भृत्यो, तुम्हें इसको यहाँ से अभी विदा कर देना चाहिए। धर्मराज ने ऐसा निर्णय कर दिया है। इस प्राणी ने कई कन्याओं का दान किया तथा ये यज्ञ संपन्न किए। अतः इसे 10,000 वर्षों तक स्वर्ग में सुख भोगनों का सोसर पर दान करो। इसके पश्चात ये मृत्युलोक निवासी किसी उत्तम कुल में सर्वप्रथम जन्म पाएगा। ये दयालु पुरुष 10,000 वर्षों तक देवताओं के समान सुखपूर्वक स्वर्ग में विराजमान रहे। इसके बाद ये मनुष्य की योनि में जन्म पाए और सभी इसका सम्मान करें। फिर किसी अन्य के विषय में ये वही व्यक्ति है जिसने छाता जूता कमंडल बार बार दान किए हैं। इसकी तुम लोग पूजा करो। जिस देश में हजारों सभा मंडप हैं उस देश में विद्याधर भन के ये 4 महापदम वर्षों तक निरंतर निवास करें।